वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। ठीक है, यहाँ पे 100 में 90% लोग मोदी जी के ही एक्सपेक्ट, यहाँ पे विधानसभा में RJD को हम लोग सपोर्ट करेंगे, राहुल गांधी के हम लोग कोई सपोर्ट नहीं है, कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं है, ओनली यहाँ विधानसभा में RJD का सपोर्ट है। तेजस्वी को फॉरवर्ड विरोध करता है बिहार में, ये बात सत्य है, करता था, अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, एक राजद के आ जाने से जंगल राज नहीं होने वाला है, सिर्फ ये RJD आने से जंगल राज नहीं होने वाला सर, पहले था वो बात सत्य है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं दरभंगा से मुजफ्फरपुर की तरफ आ रहा हूं और ये मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है। यहां के एक ढाबे पर मैं चाय पीने पहुंचा और कुछ युवा मिल गए, उनसे हमने बात करनी शुरू की और जानना चाहा कि आखिरकार यहां का पॉलिटिक्स क्या है, लोकसभा का माजरा क्या है, कौन प्रत्याशी भारी है, मुद्दे क्या हावी हैं। तो ये युवा बहुत तरह की चीज़ें बताने लगे, मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए और आप तक पहुंचानी चाहिए कि आखिरकार ये सोचते क्या हैं, समझते क्या हैं, इनको प्रधानमंत्री कौन चाहिए, मुख्यमंत्री कौन चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा पांडे हुआ। आप कृष्णा पांडे? जी सर। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो रहा है? जी जी हो रहा। अच्छा। जी किस किस के बीच में हो रहा है? यहाँ पर कांग्रेस और BJP। अच्छा, तो कांग्रेस BJP है तो मुद्दा क्या भारी है? मुद्दा कुछ नहीं, यहाँ पे मोदी जी पे वोट गिराएगा लोकसभा में। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे 100 में 90% लोग मोदी जी के ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ। हर हाल में लोकसभा में। हाँ। और विधानसभा में, यहाँ पे विधानसभा में RJD को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आप मोदी चाहते हैं प्रधानमंत्री लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं तेजस्वी यादव? जी सर। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि हमारे मोदी जी जैसे कोई प्रधानमंत्री है नहीं अभी। हाँ। हर चीज़ व्यवस्था में, और भारत के लिए अच्छा काम किए हैं और हमारे सैनिक वगैरह के लिए अच्छा किए हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव इसलिए चाहिए कि वो नए हैं अभी। अच्छा। और बिहार में आने के बाद वो नौकरियाँ देंगे भरपूर। और हमारा अपना पर्सनली जो बात है, हम लोग फॉरवर्ड कल्चर से हैं, ठीक है, इसलिए राजद को जिताना चाहते हैं कि नौकरी आए और हम लोग उसमें जाए। अच्छा, पर राजद को तो फॉरवर्ड विरोधी पार्टी कहते हैं कि वो मुस्लिम और यादव को ज़्यादा साधती है, वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करती है। तो आप राजद के नेता को मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्या कोई खास वजह? नीतीश जी से आपको क्या समस्या है? नहीं, नीतीश जी को यहाँ पर कोई नहीं मतलब व्यवस्था दे रहा, कोई नीतीश जी का यहाँ खत्म है कहानी। अब BJP का अगर मुख्यमंत्री होगा तब भी आप तेजस्वी यादव को? हाँ, तेजस्वी को वोट करेंगे, विधानसभा तेजस्वी करेंगे, लोकसभा मोदी जी को ही करेंगे और हम नहीं करेंगे। यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के 100 में 90 लोग यही हैं मोदी। वजह क्या है, विधानसभा में तेजस्वी यादव को वोट क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वजह यही है, नौकरी रोजगार, क्योंकि वो नए आएंगे, उनको सत्ता में आना है, नौकरी तो देंगे ही, हर हाल में देंगे, क्योंकि सत्ता बनाना है यहाँ पे। BJP ऑलरेडी सत्ता में है, बहुत तागड़ा रूप में है भारत में, अभी पूरा उसका जलवा चल रहा है, लेकिन RJD थोड़ा दब रहा है सर। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए केंद्र में भी कांग्रेस सरकार चाहिए या तेजस्वी यादव समर्थित सरकार चाहिए? वहाँ आप मोदी जी की बात करते हैं, यहाँ आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, केंद्र में परिवर्तन क्यों नहीं चाहते? नहीं, केंद्र में परिवर्तन नहीं, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं, और राहुल गांधी के हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, राहुल गांधी के हम लोग कोई सपोर्ट नहीं है, कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं है, ओनली यहाँ विधानसभा में RJD का सपोर्ट है और वहाँ लोकसभा में मोदी जी का सपोर्ट है। अच्छा, बस लोकसभा में मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं देखना? नहीं, वो लायक नहीं है। क्यों? किसी हिसाब से नहीं, उनका एज हो गया 55 साल, अभी शादी नहीं किए, दाढ़ी रखे हुए, बोलते हैं क्या? ठीक है, मोदी जी नहीं किए, लेकिन मोदी जी देश के लिए बहुत चीज़ कर दिए, वो अपने लिए भी नहीं कुछ कर रहे हैं, देश के लिए भी नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जनता। अच्छा, तो ये जो आप भी यहीं के रहने वाले? नहीं, हम वैशाली जिला का। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं? हम लोग मोदी का सपोर्ट रहे हैं। मोदी का सपोर्ट रहे हैं, लेकिन विधानसभा में क्या करिएगा? हम लोग मोदी का ही देंगे, विधानसभा हो या ऐसे हो। अच्छा, विधानसभा लोकसभा में मोदी, पर विधानसभा में तो मोदी नहीं मुख्यमंत्री होंगे, वो तो प्रधानमंत्री होंगे।
हाँ तो नीतीश का हम लोग का इधर सपोर्टर नहीं है, नीतीश का सपोर्टर नहीं है ना, लेकिन तो लेकिन लेकिन ये जो तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं, आप तेजस्वी यादव को वोट करेंगे विधानसभा में? नहीं, तेजस्वी को, हाँ तेजस्वी को तो करेंगे विधानसभा, विधानसभा में आप तेजस्वी को करेंगे। सारे लोग मतलब आप मुख्यमंत्री चाहते हैं तेजस्वी जी और प्रधानमंत्री चाहते हैं नरेंद्र मोदी सारा दिन, आप क्या चाहते हैं? मोदी सरकार, मोदी सरकार केंद्र में या राज्य में भी चाहते हैं भाजपा सरकार हो? राज्य में भी हो तो और अच्छा हो। नहीं, तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जैसे कि आपके साथ बैठे हुए लोग? जी जी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते जी। वजह क्या है? रोजगार, नौकरी, सब कुछ, हर चीज देगा। और नया अभी नौकरी जो नया नया शिक्षा के बारे में टीचर सबको नौकरी मिला है, फॉरवर्ड हर सबको मिला है नौकरी और सब आगे बढ़ रहा है, सबका रोजगार, शिक्षा, हर चीज़ बहुत अच्छा से चल रहा है। तो कहते हैं बिहार में आप भी भूमिहार जाति से हैं? जी जी, आप भूमिहार जाति जी, भूमिहार। तो भूमिहार जाति तो लालू विरोधी होता है, कहते हैं कि वो तेजस्वी यादव को वोट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, मतलब क्यों वोट करना चाहते हैं? क्या तेजस्वी को? हाँ। तेजस्वी को फॉरवर्ड विरोध करता है बिहार में, ये बात सत्य है, करता था, अभी नहीं कर रहा है, नहीं, कर नहीं, बदलाव में है। अब बदलाव में जी सर। वजह क्या? वजह यही है कि वो फॉरवर्ड को थोड़ा टिकट वगैरह भी बांट रहा है, ठीक है, बिहार में अभी 42 से मुन्ना शुक्ला के दे रहा है, वहाँ तय है कि मुन्ना शुक्ला जीतेगा, वहाँ मोदी लहर नहीं चलेगा। अच्छा। क्योंकि वो भूमिहार कास्ट से और संख्या भी है भूमिहार कास्ट का वहाँ, ठीक है, तो फिर हमको वो लेके चलेगा तो मैं क्यों नहीं दूँ? वो जब बोले थे 2007 या कब बोले थे भूरा बाल हटाओ, वो समय था, और जब हम लोग साथ थे तो वो सब भी सत्ता में थे RJD, अभी नहीं है तो नहीं है। वो बोले भूरा बाल हटाओ, वो खुद हट गए, तो फिर उनको समझ आ गया है कि फॉरवर्ड पकड़ना पड़ेगा, तभी हम विधानसभा में आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो 90 के दशक में लड़ाई थी अब वो लड़ाई नहीं है, अब आप लोग को लालू यादव तेजस्वी यादव से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को वो आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग उनके साथ है विधानसभा में सिर्फ। अच्छा। अभी नहीं, अभी मोदी जी के साथ है लोकसभा। आपका नाम क्या है? आकाश झा। आकाश झा, आकाश झा, आकाश झा। हाँ, कौन चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो सेम है सर, मोदी जी हैं। मोदी जी जी। अब मुख्यमंत्री कौन चाहिए? नीतीश ही रहेंगे, क्योंकि हम तो लालू का सपोर्टर ही नहीं है सर। अच्छा, आपको चाहिए नीतीश जी? चाहिए सर, जी सर। तो हाँ, लालू यादव को आने से समझ रहे हैं सर गुंडागर्दी इतना फैल जाएगा, क्योंकि यादव में कितना पढ़ा लिखा इंसान है आप बताइए सर, पढ़ा लिखा है कोई? उसको एक तरह के वो अपने आप से उसको घमंड हो जाएगा, साला हम इस सत्ता में आएगा वो जीत जाएगा तो अपने आप से और उड़ने लगेगा सर। तो समझ सकते हैं जब आबादी कितना है, और अभी आबादी हम लोगों का कितना है, उसका आबादी कितना है, आगे चल के वो उसका सरकार हो जाएगा तो उसके इधर से ही खींचेगा, तो सर इसका हम समर्थन ही करते हैं। अच्छा, तो आपको नीतीश शासन बेहतर लगता है? तो चलिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप यहीं के रहने वाले नहीं, आप रहने नहीं, नहीं, आप ठीक है, नहीं नहीं, आप यहीं के रहने वाले, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? वरुण कुमार चौधरी। वरुण कुमार चौधरी जी, किसका जोर है आप? यहाँ मोदी का लहर है। मोदी का लहर, वजह क्या है? वजह मोदी विकास करते हैं। अच्छा विकास करते हैं। अच्छा विकास करते हैं। तो ये चौधरी क्या ऊंची जाति होते हैं या पिछड़े, अति पिछड़े में आते हैं? आप जो वरुण चौधरी बताया ना आपने अपना नाम, तो आप लोग की मतलब कौन से सब अति पिछड़ा हो? अति पिछड़ा है। तो अति पिछड़ा में लोग क्या सोच रहे हैं मोदी जी? और विधानसभा में कौन चाहिए? विधानसभा में तेजस्वी आएगा। विधानसभा में तेजस्वी आएगा। वजह क्या है? वजह अथी है, नीतीश को अब नहीं, नीतीश साहब नहीं आएगा, नीतीश पसंद नहीं, नहीं। अब नया मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ। तो मुख्यमंत्री के तौर पे भाजपा का सम्राट चौधरी नहीं चाहिए? नहीं, बनेगा तो तेजस्वी। तेजस्वी बनेगा, आप लोग पसंद करते हैं तेजस्वी? हाँ। कारण क्या है, वजह क्या है? नौकरी दिया, रोजगार दिया, इसलिए? हाँ, इसलिए। अच्छा, तो ये आपको पता है कि नौकरी वही दिया? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं नौकरी हमने दिया है।
नीतीश भी दिया है, तेजस्वी भी दिया है। अच्छा वो नहीं दिया कौन, मतलब आप लोग नीतीश को पसंद नहीं करते? पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं। तो क्या आपको डर नहीं है कि फिर तेजस्वी का शासन आएगा तो भाजपा कहती है जंगल राज आ जाएगा, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा? कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? क्या बोलना चाहेंगे? क्या किसी बताइए कि भाजपा कहती है जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी यादव आएगा। देखिए ये बात तो सत है, हमारे पिताश्री भी कहते हैं कि पहले बहुत ज्यादा जंगल राज था, लेकिन अब ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि ऊपर मोदी सरकार है। ठीक है, एक राजद के आ जाने से जंगल राज नहीं होने वाला है। अच्छा। सिर्फ ये RJD आने से जंगल राज नहीं होने वाला है सर, पहले था वो बात सत है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब अगर विधानसभा आ रहा है उसमें RJD ही विजय होगा, और नीतीश कुमार का बात रहा तो नीतीश कुमार अगर अकेला लड़े तो दो सीट पर सिमट जाएंगे, BJP का टक्कर में रहेंगे, लेकिन विधानसभा आएगा RJD का। अगर BJP का मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा तो तब भी आप तेजस्वी यादव को वोट देंगे? अगर BJP सही समीक्षा करेगा, ठीक है बिहार में सही, अभी तो टाइम है, अगर सही समीक्षा करेगा तो देखा जाएगा, आना था अभी विधानसभा RJD के पास है। अच्छा हाँ। तो आपको इतना RJD पे एक तरफ मोदी दूसरी तरफ RJD, केंद्र में मोदी यहाँ तेजस्वी लालू, क्यों चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि विकास जरूरी है, नौकरी जरूरी है, और हम लोग फॉरवर्ड कल्चर से आते हैं तो नौकरी हम लोग का सबसे बड़ा राह है। ठीक है, तो हम लोग का नौकरी के लिए ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। और बात रहा गुंडा राज वगैरह ये सब का, तो अब आने वाला है नहीं सर, कोई गुंडा राज नहीं आने वाला है। अब मैं भक्त नहीं हूँ किसी का, मैं मोदी सपोर्टर हूँ, अभी लोकसभा का मुठ्ठावान के मोदी का प्रचार करेंगे, लेकिन RJD के साथ है विधानसभा। अच्छा। ये बात बोलेंगे या परंतु कोई भी मतलब रहे वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन RJD जीतेगा यहाँ से विधानसभा। अच्छा, RJD जीतेगा, कन्फर्म जीतेगा RJD। आप भी मानते हैं RJD जीतेगा विधानसभा? जी। कारण क्या है? बस ये नौकरी रोजगार, नौकरी नया रोजगार। तो आपको नहीं लगता कि BJP नौकरी रोजगार दे सकता है? दे सकता है, पर वो अभी अब एक ही लोग को सत्ता देना जरूरी नहीं ना सर, एक ही लोग को सत्ता दें ऐसा तो है नहीं। बीजेपी तो लोकसभा संभालेंगे ना। नीतीश जीतेगा 100% श्योर है, नीतीश जीतेगा 100% श्योर बोलते हैं यहाँ से, नीतीश आएगा, RJD का सरकार नहीं आएगा। तो ये देखिए ये बड़ा दिलचस्प बात है, सवाल ये है कि यहाँ पर अगर नौकरी और रोजगार की बात हो तो ये माना जाए, ये युवा मानते हैं कि तेजस्वी यादव बेहतर हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव बेहतर हैं। और ये चलते फिरते जब हम दरभंगा से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे थे तो ढाबे पे बैठे कुछ लोग से जब हमने चर्चा की तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। एक तरफ जितने घनघोर समर्थक लोकसभा चुनाव में ये मोदी के हैं, उतने ही घनघोर समर्थक विधानसभा चुनाव में ये तेजस्वी यादव के हैं, RJD के हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब ये मान चुके हैं कि जंगल राज पुराना वाला समय आने वाला नहीं है, नीतीश कुमार का चार्म खत्म हो चुका है, नौकरी चाहिए और नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, ये दिमाग में बैठ चुका है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाला विधानसभा चुनाव में परिदृश्य कुछ और दिख सकता है। लोकसभा चुनाव में भले ही ये वोटर्स मोदी की बात करते हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स के दिलो दिमाग पर तेजस्वी यादव छा रहे हैं, ऐसा यहाँ युवाओं से बात करने के बाद पता चल रहा है। तो इस समय मुजफ्फरपुर गाय घाट से अपने साथी जेरी और अंकित मिश्रा के साथ TV9 के लिए पंकज कुमार। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।